बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए और एक अपडेट है PM2+ के रिलेटेड कि हालांकि मैं जानता हूँ कि वीडियो काफ़ी लेट है, जो इसका अनाउंसमेंट हुआ था वो तो परसों ही हुआ था, ठीक है ना। लेकिन हम कंफर्म भी करना चाहते थे और इसलिए थोड़ा सा वीडियो जो है डिले हुआ। आपके लिए ये बता दूँ कि जो रजिस्ट्रेशन का अभी डेट है, वो जो अभी रजिस्ट्रेशन का डेट है, दैट हैज़ बिन एक्सटेंडेड और 15 सितंबर तक जो है इसका एक्सटेंड किया गया है। रजिस्ट्रेशन का बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है, जो वेरिफिकेशन का जो है नेक्स्ट डेट है वो है 21 सितंबर, ठीक है। ये दो डेट यहाँ पे AICT ने अपने नोटिफिकेशन में जो है मेंशन किए हैं। आप यहाँ पे जो है आप वेबसाइट पे भी आ गए और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है ना। हम वीडियो क्यों डिले हुआ इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से अभी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि AICT ने ये क्लियरली मेंशन किया है अपनी वेबसाइट पे कि जो अभी डेट एक्सटेंड हुआ है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन का अभी डेट है 15 और 21 सितंबर, ठीक है ना, रेस्पेक्टली ये रजिस्ट्रेशन के लिए और ये वेरिफिकेशन है, इसके जो हैं ये डेट अब एक्सटेंड नहीं होगा। मतलब जो फाइनल चांस अभी स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंट के लिए कीजिएगा, वो यही है कि उसके बाद जो है वेरिफिकेशन डेट 21 सितंबर और जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 15 सितंबर हैं, इसके जो हैं एक्सटेंड डेट नहीं किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नो फर्दर एक्सटेंशंस विल बी गिवन, मतलब ये जो है आपका लास्ट चांस है। अगर अभी किसी के पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है और किसी की कुछ और प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे उसके लिए लास्ट चांस AICT प्रोवाइड कर रहा है। इसके बावजूद एक और जो है बहुत से स्टूडेंट्स के ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन जो है उन्होंने वो कंप्लीट तो की है, रजिस्ट्रेशन उन्होंने कंप्लीट की है, लेकिन अभी वेरिफिकेशन उन्होंने नहीं की। वेरिफिकेशन क्यों नहीं की? क्योंकि उनके पास जो है वो न्यू डोमिसाइल हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ, वो जो स्टूडेंट्स हैं, कि अभी उनके पास और एक लास्ट चांस दिया है आपको, जो वेरिफिकेशन है 21 सितंबर तक करनी है। इसके बाद जो है AICT आपको जो है और जो है फर्दर एक्सटेंशन नहीं देगा। यहाँ पे आप जो है यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर PM2+2021 हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 15 सितंबर एंड 21 सितंबर रेस्पेक्टिवली, नो फर्दर एक्सटेंशन विल बी गिवन। यहाँ पे और ज़्यादा आपको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। आपसे मैं अब बात करूँ कि वीडियो क्यों डिले हुआ। देखिए, हम अगर आप YouTube पे सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको इतनी वीडियो मिलेगी कि कुछ यूट्यूबर तो ऐसे कि दिन में तीन वीडियो, चार वीडियो जो है अपलोड करते हैं। लेकिन हमारे इस चैनल पे आप देख सकते हैं कि हम जितने भी वीडियो अपलोड करते हैं वो ऑथेंटिक करते हैं। हमने आपको आज से 10 दिन पहले ही, 15 दिन पहले ही आपको एक वीडियो अपलोड करके दिया था, वीडियो बना के दिया था कि अभी जो है डेट एक्सटेंड होगा। हमने आपको 15 दिन पहले, 10 दिन पहले एक वीडियो आप चेक भी कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पे वीडियो की लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वीडियो की लिंक है, आप जाके वहाँ पे जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि द डेट विल बी एक्सटेंड, जो 31 था पहले जुलाई, तो वो अब एक्सटेंड होगा, अगस्त था, ठीक है, तो वो एक्सटेंड होगा। रीज़न हमने ये दिया था कि कोविड 19 बाहर जो जितने भी कॉलेजेस हैं, बाहर जितनी भी कॉलेज हैं जहाँ का आपको अलॉट होगा, कॉलेज जो अलॉट होगा वो सब क्लोज हैं, ठीक है ना। कॉलेज क्लोज होने की वजह से आप जो है आपका डेट एक्सटेंड होगा, इसलिए क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको पूरा एक डिटेल बताया था कि आपका प्रोसीजर कैसे रहता है। क्योंकि जैसे अभी आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने के पास आपको एक डूमी लिस्ट आएगा, या हम किसको कहते हैं मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है ना, आपके पास एक मेरिट लिस्ट आएगा और मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका जो है कॉलेज जो है वो अलॉट हो गए। कॉलेज जैसे आपको अलॉट हो गए, फिर आपको कॉलेज जाके जो आपको रेस्पेक्टिव कॉलेज आएगा वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो है वो अपलोड करना पड़ता है। और सब जो खेल है मैंने आपको बताया था, जो सबसे बड़ा इशू आ रहे हैं वो इसी
सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो यही आ रहा है कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ठीक है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ज्वाइनिंग रिपोर्ट, क्योंकि अगर आपका कॉलेज अलाट भी होगा तो आपको जो है जो आपको कॉलेज अलाट होगा वहाँ पे आपको जाके ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड करना है, और यही ज़्यादा अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि कोविड की वजह से सब कॉलेज जितने भी कॉलेज हैं वो क्लोज़ हैं, तो इसलिए जो है अभी ये जो है चॉइस फिलिंग ओपन नहीं करें। यहाँ पे आपको मैं और एक अपडेट देना चाहता हूँ कि 21 सितंबर से बाद आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं होगी, ठीक है ना। डेट एक्सटेंड नहीं होगी, और जहाँ तक चॉइस फिलिंग की बात वो भी अभी कंफर्म नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं है कि 21 से जो है वो चॉइस फिलिंग ओपन होगी कि नहीं। और जो मोस्टली चांस मैं आपको कह रहा हूँ कि चॉइस फिलिंग ओपन नहीं होगी, ठीक है ना, चॉइस फिलिंग ओपन नहीं होगी। हाँ, अगर कोविड की जो है वो ठीक होगी अभी कंडीशन, तो मे भी चॉइस फिलिंग वो ओपन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में और भी चॉइस फिलिंग ओपन नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे फ़िलहाल AICTE ये कोशिश कर रही है कि डॉक्यूमेंट जो है पूरा हम पहले तो एक सेटअप तैयार कर लेते हैं, पहले जितने भी वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है वो कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हो सकता है मे बी ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। अगर कुछ अपडेट आएगा तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको बता देंगे कि AICTE ने जो है नेक्स्ट स्टेप लेने का क्या फ़ैसला किया, लेकिन अभी तक जो है ये अपडेट है कि 21 तक आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं और 15 तक आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हम आपको रिप्लाई वहां से ज़रूर करेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी नई वीडियो आएँ आपके अपडेट जो हैं आपको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे वीडियो यूट्यूबर की तरह नहीं, हम दिन में 5-5 या 10-10 वीडियो अपलोड करते हैं। यहाँ पे जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं वो एथेंटिक होते हैं और विथ सम सोर्सेज होते हैं, तभी जाके हम वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक यू।